तो आपको हाथ कहाँ प्लेस करना है वो आप लोगों को देखना है। देखिए उसका टारगेट है मेरी बॉडी, अगर मैं 45 डिग्री आउट किसी तरह से चला जाता हूँ तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो नाइफ मुझे टच ना करे। अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर कि जो नाइफ हमारे हाथ का एंगल है जिसमें नाइफ है उसका डायरेक्शन यहाँ से लेके और यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। ऑलराइट, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, नाइफ का टारगेट यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, बट जो आपकी एल्बो का है उसका एंगल देखिए, उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, उसका एंगल यहाँ से और यहाँ इसी पोर्शन में कहीं रहेगा। ओके, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो। सो हाथ को यहाँ प्लेस करना आसान है बजाय कि नाइफ को इधर कहीं डील करना, ये थोड़ा सा टफ काम है। सो जब भी कोई हाथ रेज करता है तो मेरा हाथ कहाँ जाना चाहिए, मेरे हाथ की जो पोजीशन है वो कहीं यहाँ पे रहेगी। मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों ने बताया था कि हमेशा अपना हाथ कहीं यहाँ रखिए, और नाइफ को अगर आप यहाँ कहीं पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरा आदमी ज़रूर अपना एंगल चेंज करेगा। ओके, और यहाँ से जब कोई हिट हो रहा होता है और आपका हाथ नीचे से आता है तो आई की विजिबिलिटी भी कम रहती है, मीन्स आपका हाथ नहीं दिखाई देगा उस आदमी को। जैसे वो हिट करेगा आपका हाथ यहाँ से, तो एक तो आपका दो तीन चीज़ काम करेंगे, एक आपका जो एल्बो है उसका एंगल क्या है कम डिस्प्लेस हो रहा है। कहने का मतलब अगर आपने इसे प्रैक्टिस कर रखा है बार बार इधर प्लेस करने का, हाथ इसे बार बार आपने प्लेस करने का, जैसे ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 and 45 degree आप आउट भी जा रहे हैं, तो यहाँ से आप देखिए ये टैप हियर, ये पूरी तरह से आपका हाथ क्या है लॉक्ड है, उस हाथ से कोशिश करो, कुछ नहीं कर सकता। दूसरा आपके पास ये ऑप्शंस है, यहाँ पे आप हिट कर सकते हैं, हाथ इस तरफ को है, ले सकते हैं नाइफ, देन यू कैन गो। ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट आपका यही है 1, 2। अब यहाँ पे आप हल्के हल्के अपने एंगल्स चेंज कर सकते हो और बार बार 8, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से देखिए ये इसका नेचुरल एक मोमेंटम है, जैसे हिट करो ये हाथ वापस ले जाओ, ये आपका नेचुरल मीन्स इसको अपना हाथ उधर ही ले जाना है। तो जैसे ही हिट आया आपने प्लेस किया तो आपके पास में अगर नाइफ है तो बहुत अच्छा, अगर नाइफ नहीं है तो आप पंच हिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, कोई किसी ने चार्ज किया, आपने होल्ड किया, आई गो दिस, होल्ड इट, यहाँ आपको प्रेस करना है, बूम, दिस इज यू कैन हिट। इसके ऊपर अगर आप प्रेस करेंगे या बैठ जाते हैं ज़मीन में तो ये ब्रेक भी हो सकता है। आप इसे नाइफ उठाइए, यू कैन हिट और यू कैन जस्ट टैप हिम डाउन, ये आपका लॉक है, दिस इज़ योर लॉक, दिस इज़ योर लॉक, अब वो कुछ नहीं करेगा आपका, आप घर जा सकते हैं। और अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं है यू कैन किल। ओके, सो टेक दिस। तो बहुत सारी नाइफ डिफेंस की वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पर, उसमें क्या है कि जब कोई इस ग्रिप में हिट कर रहा है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जाके प्लेस करना है अपना पंच और हाथ एक साथ प्लेस करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ को देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे रहेंगे तो अगर आपका पैर, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी उसमें आपका पैर ये रखा जाता है तो ऑलरेडी नाइफ स्लिप करके आपके ऊपर गिरने वाला है, आप इसे रोक नहीं सकते। जैसे आप ये भी करने की कोशिश करेंगे, इन केस आपने बहुत थोड़ा क्लोज आके दिखाइए, जैसे उसने हिट किया और मैंने कितना भी स्ट्रॉन्ग अपना हाथ रखा है और पंच करने की कोशिश किया, देखिए मेरा एक तो डिस्टेंस देखने की कोशिश कीजिए, इस साइड से इधर तक चेंज हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे, यहाँ से जैसे नाइफ मेरे ऊपर आ रहा है मैंने बहुत स्ट्रांगली हिट किया है, लेकिन फिर भी ये नाइफ अंदर की तरफ अगर ज़रा सा भी शिफ्ट हुआ तो मैं हिट नहीं कर पाऊँगा। दूसरा, उसका हाथ 100% कहीं ऊपर होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा जैसे वहाँ से हिट करो और ये हिट नहीं रहेगा। ओके, ये पहुँचेगा ही नहीं, पहले तो ये पहुँचेगा नहीं, मेरा पैर इधर को है, अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो ये पहुँच नहीं रहा, दूसरा ये ऑलरेडी अंदर हो चुका है। अगर आपको इस साइड जाना भी है तो आपको 45
45 डिग्री फुटवर्क का यूज़ करके जाना है। जैसे ही कोई इस साइड आता है और मैं इधर पुश करता हूँ तो दिस साइड कम, दिस साइड यहाँ पे रहो, ठीक है, यहीं से दिखाना, यहाँ आपको जाना है। ऑलराइट, तो आपके पास में ये जो आपका हिट था यहाँ पे, ठीक है, आप 45 डिग्री यहाँ गए हो और अपना हाथ जो प्लेस किया आपने वो इस साइड को किया है, इस साइड को किया है, और अब आप यहाँ से करेंगे। और इन केस उसका ये हाथ ऊपर आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम आगे स्टिकी हैंड की प्रैक्टिस करते हैं उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से पुश करो मेरा हाथ, देखो पुश करके मेरा हाथ यहीं कहीं आ रहा है, तो मेरे पास अभी भी उसका दोनों हाथ का इस नाइफ वाले हैंड का कंट्रोल है, ठीक है। बट अगर हम इसे स्पीड में करें तो हम ये इस तरह से होगा, गो दिस साइड, ये मैं कहीं यहाँ इस साइड रहूँगा, देन आई कैन फाइट, आई कैन ब्रेक द हैंड। सो इन स्पीड ही कम बूम दिस साइड, फ्रॉम देयर आई हिट, फ्रॉम देयर आई विल हिट, आई गो दिस साइड, देन आई कैन ब्रेक, कैन टेक नाइफ, आई कैन गो दिस। बट अगर आप नाइफ का डिफेंस सीख रहे हैं और इस वाली ग्रिप का देख रहे हैं, यूजुअली एक मेंटेलिटी होती है, जब आदमी ने इस तरफ को नाइफ पकड़ा होता है, गिव मी नाइफ, अगर आदमी ने इस तरह से नाइफ पकड़ा है तो वो जो कॉमन अटैकर है वो इसी तरह से अटैक करता है। ओके, ये अटैक बहुत प्रोफेशनल होगा, जो उसी को ये बात समझ में आती है कि ये भी एक ड्रॉ करके भी अटैक किया जा सकता है। बट यूजुअली अगर किसी ने इस तरह से नाइफ पकड़ा है तो इज़ गोइंग टू हिट दिस वे, अगर इस तरह से किया है तो ये होगा। तो दोनों केसेस में टेक दैट नाइफ, अगर हम दोनों केसेस में ये वाला हिट करो, यस, अभी भी मेरा वही टारगेट है। ओके, सेम ड्रिल कैन वर्क, दोनों में हमारा जो है यही वाला काम कर सकता है, ये दिस दिस, ये वाली ड्रिल अगर आपने हजारों बार की है तो आपका हाथ अपने आप ही सही जगह पे यूज़ होगा, एंड देन आप यू कैन गो दिस साइड, बूम, यहाँ आप जा सकते हो, एंड देन यू कैन शिफ्ट, यू कैन कंट्रोल वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू वॉन्ट टू टेक नाइफ, यू कैन कट द फिंगर्स, यू कैन रिमूव द नाइफ। अब इसी को हम इस वाली में कर रहे हैं, ओके, कम दिस वन टू, आपका हाथ कहीं सही से प्लेस होना चाहिए, और उसको हाथ रोकने की बजाय अगर आप इसे रोकेंगे तो ये इसे पुल कर लेगा, वापस ले जाएगा। बट इन केस जो मोमेंटम बना हुआ है उसे रोके मत, उसे जाने दीजिए, बूम, ये देखिए, जाने दीजिए उसे, जाने दीजिए, यस, एंड 45 डिग्री, यस, एंड देन दिस इज द लॉक हियर, दिस, होल्ड इट हियर, यू कैन ब्रेक दिस, एंड यू कैन नी वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो दिस इज द थिंग, फर्स्ट जैसे ही ये वाला एंगल दो, ये वाला, ये आप घर पे किसी बच्चे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं कि हाथ कितना रुक सकता है। आप एक बॉटल ले लीजिए, बॉटल से अगर कोई हिट करता है तो फिर देखिए कि रुकता है या नहीं रुक पाता है, यहाँ से आप पंच कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आदमी थोड़ा प्रिपेयर्ड ही होके हिट करेगा, तो इसलिए मेरा हाथ अगर इस साइड को कहीं भी है ये कटेगा। सो व्हेनेवर समबडी हिट्स, गो आउटसाइड, तो आपको उसे कैच करके और साइड कर लेना है, एंड देन गो दिस, देन यू कैन टैप हिट, पुल इट, यू कैन कट। सो दिस इज अबाउट दिस एंगल, बहुत सारी वीडियोज में आपको ये 3-4 चीज़ें मिस्टेक हैं, अब मैं लास्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट, ठीक है, ओके, फर्स्ट, पहला मिस्टेक ये है कि मेरा ये वीक पोजीशन है, नाइफ मेरे ऊपर आएगा ही आएगा। दूसरी मिस्टेक ये है कि मेरा हाथ यहाँ नहीं पहुँचने वाला, और तीसरी मिस्टेक जो थी वो थी आपके पैर की। ऑलराइट, एटलीस्ट अगर आपको ये वाला पंच करना ही है तो आप इस साइड को हिट कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको अच्छा एक रेंज मिलेगी टच करने के लिए, और अगर पूरा 45 डिग्री जाओगे तो आप नाइफ से काफ़ी सेफ बच जाओगे। ये तो 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रख सकते हैं, और जो आपकी प्रैक्टिस है नाइफ होल्डिंग की,
वो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस साइड यू कैन ब्रेक. या यहाँ से आप पुल करेंगे, यू कम दिस साइड एंड टेक नाइफ एंड कट. यू कैन प्ले विद द नाइफ, तब थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं. और मेटल के नाइफ से प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा रियलिटी के करीब रहेंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.